ये 1400 साल पहले से साफ सफाई का हम सबको हुक्म दिया गया है, हम इसका खास तौर से ख्याल रखें। हम सब बच्चे और बड़े जो भी हैं, ये हम सबके लिए है, ये प्रोग्राम हम सबके लिए है। अक्सर देखने में आया है कि घरों के अंदर एक बड़ा माहौल बना हुआ है, बाजार से सामान पॉलिथीन में लाते हैं और उसके अंदर कचरे को पैक करते हैं और बाहर सड़कों में डालते हैं। ये एक बहुत बुरा अमल है। जैसा कि मुफ्ती साहब ने भी बताया है कि बाहर सड़कों को गंदा करना, सड़कों में कूड़ा फेंकना, ये बहुत गुनाह का काम है, ये बहुत बुरा अमल है। इस अमल पर अल्लाह की लानत है। मेरी आप सब से गुजारिश है कि पॉलीथीन का हम सब यूज बिल्कुल बंद कर दें, इसको लेना बंद कर दें। बाजार से सामान लाएं तो हम अपने घरों से थैला लेकर जाएं। हम अक्सर क्या करते हैं कि घरों से मोटरसाइकिल के जरिए ऐसे ही चले जाते हैं और पॉलीथीन के अंदर सामान लेकर आते हैं। इसके जरिए से आज देश के अंदर पर्यावरण के अंदर कितना बदलाव है। अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, हम जब 20 साल पहले हमारा जो टेम्परेचर था, हमने कभी महसूस किया कि हाईएस्ट 33-34 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रहा होता। आज 40 तक 42 तक टेम्परेचर जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। ये क्या है कि पर्यावरण जो है वो दूषित हुआ है। पॉलीथीन के अंदर लाते हैं सामान, लाते हैं कई जगह देख लोग मिला है कि लोग चाय पॉलीथीन के अंदर लाते हैं और उसे इस्तेमाल करते हैं। कहीं जगह देखने को मिला है कि लोग खाने को जो है ना पॉलीथीन पन्नी के अंदर लाते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। इससे कितना बड़ा नुकसान है कि एक रिसर्च के अंदर ये बात आई है कि जो लोग पन्नी के अंदर खाना और चाय लेकर इस्तेमाल करते हैं या गर्म चीज किसी भी प्लास्टिक वाली चीज में इस्तेमाल करते हैं, उससे आदमी को कैंसर के फैलने का ज्यादा इम्कान है, सो खतरा है कि इस आदमी को कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हम सब पॉलीथीन का बिल्कुल इस्तेमाल बंद कर दें। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम सब छोड़े हुए इस बात का अहद करें कि हम पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे इसका मतलब करेंगे जोर से हम सब नहीं। हम सब जो है पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और अपने घर से कचरे को बाहर सड़कों पर नहीं डालेंगे। अपनी नालियों को, अपनी सड़कों को, अपने मोहल्ले को गंदा नहीं करेंगे। गंदगी असल में क्या है, हम सड़कों पर कूड़ा डालते हैं, वो सड़क भी हमारी है, नालियों को गंदा करते हैं, नाली भी हमारी है। उसके जरिए से बीमारी आती है। जिस घर के अंदर कोई बीमार होता है उस घर का एक बड़ा बजट उसकी बीमारी के अंदर चला जाता है, उसकी दवाई में, उसकी देख रेख में एक उस घर का एक बड़ा बजट उसमें खर्च होता है। इससे हमारा जानी माली नुकसान होता है। बहुत सारे लोग, जैसा कि आज डेंगू का प्रकोप है, वायरल चल रहा है, इसमें बहुत सारे लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए मेरी सब लोगों से दरखास्त है, उस बच्चों से हम खुद भी इस पर अमल करें और दूसरों को भी इसकी तालीम दें, दूसरों को भी गंदगी फैलने से रोकें। खुसूसन प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, कूड़ों को सड़कों पर ना डालें, नालियों के अंदर ना डालें, पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। जितना पानी की हमें जरूरत है हम उतना पानी इस्तेमाल करें। जैसा कि अभी ऊपर नाटक के जरिए हमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पानी का लेवल जो है वो 700-750 फुट पर चला गया, उन लोगों के पानी के पीने की क्या स्थिति होगी। हम इसको ध्यान करें कि हम पानी को बिना वजह बर्बाद ना करें। इसी के जरिए मैं आप सबसे अपनी बात करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।